दुर्ग अंबिकापुर ट्रेन से शराब तस्करी कर रहे युवक को जीआरपी पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं आरोपी के पास से 33 बोतल अंग्रेजी शराब को जब्त भी किया है। दुर्ग रेलवे स्टेशन में आज मुखबिर की सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर अंबिकापुर से दुर्ग चलने वाली ट्रेन में शराब तस्करी कर रहे आरोपी विजय यादव कैलाश नगर निवासी को पकड़ा है, जिसके पास से दो अलग अलग बैग में नंबर 1 शराब की 21 बोतल व बिना लेबल लगे शराब की 12 बोतल जब्त की गई है। इस मौके पर जीआरपी प्रभारी ने मामले की जानकारी देते हुए पकड़े गए आरोपी पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने की बातें कही है। मुखबिर की सूचना मिली थी कि दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस में आने वाली जो दुर्ग आती है उसमें शराब है करके, तस्कर आ रहा है शराब लेकर के। वहाँ आरपीएफ की टीम पहले से मौजूद थी, उनके द्वारा हमको भी सूचना दिया गया। हमारी भी टीम गई और उतरने पर उसके पूछताछ किए तो भुलिया के हिसाब से तो बताया कि लाल रंग का काली बैग में शराब रखा हूँ और एक नीले रंग का उसके पास पिट्ठू बैग था। और दोनों को खुलवा कर देखे तो 21 बाटल में डबल नंबर 1 और 12 बाटल बिना लेबल की शराब उसके पास मिली है, और जिससे आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। ये अनूपपुर से बताया खरीदे हैं और वहाँ कम सस्ती दाम मिलती है और यहाँ ला करके एक दो बाटल करके लोगों जिसको जरूरत रहती है तो बेच देते हैं। अभी तो पता नहीं चला है, बोल रहे एक बार और लेके आया हूँ, इसके अलावा तो ऐसा रिकॉर्ड अभी नहीं पता चला है। बाकी सिटी थानों से लिया जाएगा जानकारी इसके संबंध में। ऐसा नहीं है, वो तो उनको जिस हिसाब से सुविधा लगती है उसी हिसाब से लोग तस्कर अपने हिसाब से काम करते रहते हैं और ट्रेन में थोड़ी सस्ती यात्रा भी रहती है, इसलिए आ जाते हैं उसे लेकर के। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।